एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां त्रिवेंद्र राज में राजद्रोह का मामला, जिसमें मामले में सरकार एसएलपी वापस लेगी, उमेश कुमार को राहत मिल सकती है। एसएलपी वापस ली जाएगी, उमेश कुमार को इसमें राहत मिल सकती है। क्या था त्रिवेंद्र राज में राजद्रोह का मामला और अब इस मामले में किस तरह से एसएलपी वापस लेने की प्रक्रिया हो रही है, सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के। सोनू देखिए पारुल, ये पूरा का पूरा मामला देहरादून से शुरू हुआ था और जिस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उस समय कुछ लोगों पर राजद्रोह के मामले किए दर्ज किए गए थे और इन मामलों को समाप्त करने की कोशिश लगातार उन पक्षों के द्वारा की जा रही थी जो इसमें वादी थे। चूंकि मामला फिर ये हाईकोर्ट पहुंच गया, नैनीताल न्यायालय में पहुंच गया, नैनीताल न्यायालय ने इसमें ये बात कही थी कि इसमें जो वादी पक्ष है उनको उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने इस मामले में जब अपना निर्णय दिया तो उसके खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट से में अब सरकार ने इसको समाप्त करने की याचिका दायर की है जिसमें सुनवाई होनी है और जब सुनवाई हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो कि जो वादी है इसमें उन वादियों को राहत मिल सकती है। हम ये कह सकते हैं कि अब जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे याचिका पर जैसे ही सुनवाई होगी तो जो निर्णय है वो संभवतः उन वादियों के पक्ष में आ सकता है। जी पारुल।